हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करेंगे सी लैंग्वेज का एक और प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम जो है आज का, दैट इज टू इनपुट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट इज अ वोवल और नॉट। सो आप इसे वाउल बोलो या वोवल बोलो। सो वोवल्स क्या होते हैं? आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में पांच अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम वोवल्स कहते हैं, दैट इज ए, आई, ओ या फिर यू, है ना। अगर ये फाइव लेटर्स में से कोई भी एक हमारे पास जो है वो इनपुट होता है, तो हमें प्रिंट करना है कि आपका जो लेटर है वो एक वोवल है, अदरवाइज वी हैव टू शो इट इज नॉट अ वोवल। सो बेसिक सा कोड है जहां पर एक कैरेक्टर इनपुट होगा, कंडीशंस चेक होंगी और कंडीशन चेक होके आप रिजल्ट को शो कर सकते हो। अब ये कोड आप कर सकते हो इफ से एज वेल एज स्विच से भी हो सकता है, तो हम दोनों से करके देखते हैं कि होगा कैसे। तो सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है कैरेक्टर की, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का। नाम आप जो मर्जी दो, मैंने सी एच दिया है, आप वॉट एवर नेम यू थिंक यू कैन गिव, ठीक है। सो आप जो नाम आपको कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पूछ लेंगे एंटर कैरेक्टर, एंटर कैरेक्टर वो हम यूजर से स्कैन करा लेंगे या फिर हम गेट कैर भी करा सकते हैं। सो आप गेट कैर कराओ या फिर परसेंटेज डी एम्परसेंट सी एच लिखकर आप उसको इनपुट करा लो। सो किसी भी तरीके से ये आपका इनपुट हो सकता है। अब जब बारी आती है कंडीशन चेक करने की, तो आपको क्या लिखना है कि सी एच ए के इक्वल हो, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा है सी एच इक्वल टू ए, कई बच्चे क्या करते हैं इसके बाद ऐसे ही लिख देते हैं ए फिर आई फिर ओ और फिर यू, लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कंडीशन लिखने का सही तरीका है, तो नहीं, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसमें एरर नहीं आएगा आपको, जब आप इसको लिखोगे इट विल नॉट शो यू एन एरर। क्यों? क्योंकि वो ये पहली वाली को तो कंडीशन लेगा जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, और इसके बाद ये जितनी भी वैल्यूज हैं ई आई ओ यू दीज विल बी टेकन एज ट्रू वैल्यूज, तो इस कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ही ट्रू आएगा। तो अगर मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी, तो आप देखोगे कि हम कोई भी लेटर प्रिंट करें, मतलब कोई भी लेटर इनपुट करें, वो हमेशा प्रिंट करेगा कि इट इज अ वोवल। सो आपका आंसर हमेशा ही आएगा कि इट इज अ वोवल, जबकि आपको ये नहीं चाहिए कि वो हर बार शो करे इट इज अ वोवल। सो इट इज अ कॉन्सोनेंट या फिर कोई और कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, वो हम ऐसे यहाँ पर दे सकते हैं जो भी हम देना चाहें। सो इफ दिस इज माई कोड एंड आई एग्जीक्यूट इट, तो मैंने इसको रन पे क्लिक किया और वो मुझसे यहाँ पर कैरेक्टर पूछ रहा है, तो मैंने कैरेक्टर इनपुट किया ई, तो ठीक है ई तो वोवल है तो इट्स अ वोवल आना चाहिए था, ठीक है। बट अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ और मैंने इनपुट किया डी, नो डी इज नॉट अ वोवल, वो फिर भी दिखा रहा है इट्स अ वोवल। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी प्रॉपर कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर एनी नॉन जीरो वैल्यू इन सी लैंग्वेज इज ट्रीटेड टू बी ट्रू। तो ई जो है वो ट्रू है, आई जो है वो ट्रू है, ओ है वो ट्रू है, यू भी ट्रू है, तो कोई भी एक ट्रू होने पे आपका पूरा रिजल्ट ट्रू हो रहा है। मतलब हमारे पास चार वैल्यूज तो हमने खुद ही ट्रू दे दी ना, तो वो हमेशा आपको ट्रू रिजल्ट ही दे रहा है, ठीक है। सो आपको जब भी कंडीशंस देनी होती हैं और के साथ, मेक श्योर यू राइट प्रॉपर कंडीशंस। सो ये आपकी प्रॉपर कंडीशंस हुई, ठीक है। अब ये प्रॉपर कंडीशंस को अगर आप यूज करके रन करते हो, एंड नाउ इट्स आस्किंग फॉर अ कैरेक्टर, आई एंटर आई, तो यस आई इज अ वोवल। अब मैंने फिर से रन किया एंड दिस टाइम आई एंटर के, सो के इज नॉट अ वोवल, सो इट्स प्रिंटिंग इट्स अ कॉन्सोनेंट, राइट। सो ये कंडीशन आप बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कंडीशंस प्रॉपरली। सो ये जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, दिस इज अंडर द कोडिंग चैलेंज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करेंगे, मिनिमम 100 तो होंगे ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पर जैसे ही आपके 100 प्रोग्राम्स कंप्लीट होते हैं, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन आपको हर प्रोग्राम बनाना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना है इंस्टा पे, AEC underscore computer underscore education को टैग करके स्टोरी में डाल सकते हो। और बेटर रहेगा कि अगर आप लिंक्डइन पे करो, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन पे आपकी ग्रोथ दिखती है कि प्रोफेशनली आप क्या क्या सीख रहे हो। सो अगर आप लिंक्डइन पे हो, नहीं हो तो अकाउंट बना लो, और अगर हो तो जब आप इसको आप पोस्ट करेंगे कि आपने इसमें से क्या सीखा, उसके साथ साथ आप मुझे टैग भी करेंगे एट अंजलि लूथरा, आई एम देयर ऑन लिंक्डइन। एंड जो स्टूडेंट 100 कोड्स पूरे करेंगे उसको चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये 100 डेज कोडिंग चैलेंज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट किया है, विच यू कैन यूज फर्दर फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड अदर थिंग्स, राइट। सो ये तो हो गया यूजिंग इफ एल्स हम कैसे कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे स्विच से करना हो,
तो स्विच हमें पता है कि सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है, तो स्विच ओनली चेक्स दी इक्वालिटी। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ स्विच के साथ ब्रैकेट में सी एच दे दोगे एंड देन आई हैव टू गिव केसेस फॉर ऑल द वैल्यूज, राइट। सो अभी जो मैंने कोड किया वो सिर्फ स्मॉल लेटर्स के लिए चल रहा है ना। आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे इसका कोड, या आप जब शेयर करोगे अपना इंस्टा पे या लिंक्डइन पे, तो आप वहां पर कोड शेयर कर सकते हो कि मैं चाहती हूँ कि ये कैपिटल लेटर्स के लिए भी सेम आंसर दे। इट शुड वर्क फॉर कैपिटल लेटर्स एज वेल एज स्मॉल लेटर्स। अभी ये स्मॉल वोवल्स को डिटेक्ट कर लेगा लेकिन कैपिटल्स को नहीं करेगा। सो इफ यू वॉन्ट दैट इट शुड डू फॉर बोथ, तो क्या चेंज होना चाहिए कोड में वो आप मुझे यहाँ कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप जब कोड शेयर करेंगे उसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, वी आर गोइंग टू यूज द बेनिफिट ऑफ फॉल थ्रू सिचुएशन, कि अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी आ जाए तो इट शुड प्रिंट इट्स अ वोवल एंड वी शुड ब्रेक आफ्टर दैट, ठीक है। और अगर इनमें से कोई केस नहीं है दैट मीन्स इट इज डिफॉल्ट, सो इट शुड प्रिंट इट्स अ कॉन्सोनेंट। सो ये आपका स्विच की हेल्प से कोड हो गया। तो हम इसको स्विच की हेल्प से भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं रन करती हूँ, अगर मैं इसको रन करूंगी तो वो मुझसे यहाँ पे पूछेगा एंटर अ कैरेक्टर, मैंने एंटर किया आर, इट इज नॉट अ वोवल। मैंने फिर से रन किया, दिस टाइम आई एंटर ए, सो इट इज अ वोवल। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ कैरेक्टर इज अ वोवल और नॉट। आई होप लॉजिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गो अहेड ट्राई इट योरसेल्फ एंड शेयर विद मी, ऑल्सो राइट इन कमेंट्स दैट हाउ आर यू लाइकिंग द सीरीज ऑफ सी प्रोग्राम्स एंड इज इट हेल्पिंग यू टू प्रैक्टिस एंड बिल्ड योर लॉजिक। So that's it for this video. Channel को subscribe कर लीजिए, app download कर लीजिए and share it with all your friends. Bye for now.